हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मेंबर होने वाला है, आज जा रहे हैं निशान पुरिया जी के पास। ठीक अपडेट हम लोग देने वाले हैं। इसमें आपको क्या फील होगा, मतलब कौन सा मसल आपको फील आ रहा है, कौन सा फील, मतलब टाइप कर रहा है, ऐप तो दिखाना है। हाँ। आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है ऐप की मसल कहाँ पर है? इधर अपना ऐप का मसल जो होता है ना, ये समझ लिया कि स्प्रिंग है, ठीक है। अब उसको दिखाने के समय हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंग को ही समझ लो कि एक के ऊपर एक, पहले तो ये फील करेंगे कि ये स्प्रिंग है और इस मसल को हमको स्क्वीज करो, तब ये बाहर की तरफ दिखना शुरू होगा। अगर हम उसको अलग तरीके से सिर्फ ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दिखेगा नहीं। आप मैक्सिमम देख लेना कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका सबका पोजिंग अच्छा होता है, बट वो ऐप को दिखाने के समय प्रॉपर ऐप नहीं दिखा पाते। ऐप भाई विजिबल ऐप एक अलग हो गया जो दिख रहा है आपको, बट जब ऐप दिखाने की बारी आती है तो ऐप कम दिखने, तो उसको आपको ये फील करना है यहीं पे वो मसल है, क्योंकि आप जब दिखाते रहोगे तो आपको देखना नहीं, आपको सिर्फ फील करना है कि वो पॉपअप हो गया है वो मसल, ठीक है। अब एक बार उसको स्क्वीज करो, एक के ऊपर एक उसको मसल को फील करना है। अब नीचे डाउन करो, ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही फील करते करते रोज मिरर में या फिर किसी से देखने की कोशिश करना है, ठीक है।
बाकी फिर प्रैक्टिस अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि 7 कंपल्सरी कोर्सेज और बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं उसको कोई मुझे समझाए मतलब मेरे को फील कराए, अगर आपको नहीं है तो फिर फिजल ठीक है समय निकाल लो, आप एक बार कोऑर्डिनेट कर लो कि कब आ सकते हो आप या फिर कैसे करना है, या फिर ऑनलाइन में अगर आप वहाँ हो तो वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो ठीक है। आपको अपनी मसल को पकड़ना सीखना पड़ेगा और क्या होता है स्टेज में जब अपन जाते हैं ना पहली बार जो मेरे साथ हुआ अपन हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि पब्लिक होता है, एक जिम में अपन वर्कआउट करते अपना वीडियो बनाते हैं एक अलग चीज भावना है, पर स्टेज में शो करना है यानी अपने आप को वहाँ पे पूरा आपको अपने फोकस रखना है, हल्का सा फोकस हल्का जो आता है क्योंकि मसल को जब खींचना है तो माइंड और मसल दोनों का लिफ्ट होना चाहिए और जितने अच्छे से कर पाओगे जरूरी नहीं मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ मेरे से ज़्यादा कोई और भी अच्छा करते हैं, बस वो मसल ही को अपने को पकड़ के दिखाना है, जब जो मसल को ले दिखाना है नॉर्मली खड़े रहना, तो ये वजह से मैं पहले गया था तो मेरे को पता नहीं था तो मैंने कुछ चीज़ें उल्टी किया, धीरे से पता चलता है कि मेरे को कोई नहीं बताना था, तो वो कहीं आप मैं नहीं बोल सकता मैं आपको 100% बताऊँगा पर जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको तैयारी करवा दूँगा किसी की प्रैक्टिस देखो बॉडी बनाना एक कठिन काम ठीक है, बॉडी को मेंटेन करना वो उससे कठिन काम और पोजिंग करना वो सबसे कठिन काम है, मतलब पोजिंग में आप मतलब बॉडी बनाने के लिए आपको साल भर भी इजी लग सकता है ठीक है, मेंटेन करना वो भी इजी लग सकता है, बट वो जो 3 सेकेंड या 4 सेकेंड है वो होल्ड करना वो थोड़ा सा कठिन है, तो उसी को प्रैक्टिस अगर अपन करेंगे तो वहाँ से 5 सेकेंड 6 सेकेंड तक के आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय इतना हाई एनर्जी आपको बॉडी से जाता है ना, क्योंकि देखो एक तो डाइट भी कुछ नहीं मतलब कार्बोहाइड्रेट हम उस समय लेंगे ही नहीं और एनर्जी नहीं है, उसके बाद मसल को स्क्वीज करके रखना मतलब मसल उस समय भी टूटता है सबसे ज़्यादा, और वो अगर आधे घंटे 1 घंटे का भी स्ट्रेस जो है अलग टाइप है ना, तो उसको भी प्रैक्टिस मतलब आप अपने माइंड को बोलते रहो कि इतनी एनर्जी आप होल्ड कर रहे हो वो डे बाई डे हो, जब आप डेली जिस दिन आप बाइसेप्स मार रहे हो तो हर मसल के बाद बाइसेप्स को टाइट करो, तो धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी और वर्कआउट में ऐसे ही पेन और पेन के साथ आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, बैक मारे भी जो है क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा आपने मसल को ट्रेंड किया हुआ है, उस समय जब आप प्रॉपर स्पीड या फिर फ्लेक्स करते हो ना तो शेप भी प्रॉपर उस समय वो बनना शुरू होता है भैया, जैसे अब हम लोग का डाइट जैसे कि है ना कंपटीशन है तो उसमें पानी नमक इसका जो शेड्यूल होता है उसको कैसे रखना है, नमक तो भी वो अलग अलग डिपेंड करेगा बॉडी पे, तो किसका बॉडी का क्या डाइट है वो अपन अलग अलग बनाएंगे, तो किसी की बॉडी में हो सकता है कि नमक अपन अभी से ही कम कराते हैं, किसी की में हो सकता है पानी अभी से कम कराते हैं, मतलब अभी से तो कम नहीं होगा बट वो डिपेंड करेगा आखिरी के हफ्ते में कि कितना पानी किसको, जैसे हो सकता है कि इनकी बॉडी को पानी अपन 1 दिन पहले बोलें कि थोड़ा कम हो रहा है, उनकी बॉडी को हो सकता है कि 1.5 दिन पहले बोलें क्योंकि वाटर लेवल किसकी बॉडी में कितना है वो सब अपन अलग अलग जब जैसे आपका इन बॉडी टेस्ट करा लो बॉडी से ही पता चलेगा, हाँ उसमें वाटर लेवल उसमें जैसे अगर मान लो एक्सेस है तो भाई अभी से धीरे धीरे अपन पानी थोड़ा सा कम करवाएंगे ताकि उस दिन आपको डिहाइड्रेशन ना फील, और अगर जैसे एकदम ही रिग्ड बॉडी है जैसे इसकी बॉडी है तो इसकी बॉडी को अगर आप 1.5 दिन पहले से पानी अगर कम कराओगे तो दिक्कत में जाएगा डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब हाँ डिपेंड करेगा ना सबका बॉडी, अब जैसे भाई पानी जिसकी बॉडी में ज्यादा है इन बॉडी टेस्ट में जब आप देखोगे ना तो हो सकता है कि 50 लीटर पानी दिख रहा है और वो ओवर है, और हो सकता है कि किसी की बॉडी में मिनिमम मतलब हो सकता है 40 लीटर होना चाहिए 40 से 45, इनके में 50 है इनके में 40 है, तो 40 ही है तो फिर इनको कम कैसे कराएंगे, डिहाइड्रेट हो जाए
तो उस समय के लिए अपन सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए वाटर लेवल को डाउन करते हैं, तो वही समय अपन पहले डिसाइड कर पाते हैं जब अपने को पता है कि इनकी बॉडी में 50 लीटर पानी है और इनकी बॉडी में 40, तो इनको तो पानी पिलाना पड़ेगा अभी पहले। थोड़े दिन आप पानी पियोगे, उस दिन छोड़ोगे, कम करोगे, तब ठीक रहोगे, नहीं तो उस दिन पानी छोड़ दोगे इसी कंडीशन में तो क्या हो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, ब्लैकआउट मार देगा या क्रैम्प ज्यादा हो, इस टाइप की बहुत सारा है, ठीक है। तो वो इसीलिए अपन टेस्ट प्रॉपर करा है। अभी फिलहाल इन लोग का चावल छुड़वा दिए, काप बंद कर दिए, हाँ बंद करा दिए, अभी ले सकते हैं ये, नहीं अभी ले सकते हो क्योंकि अभी मसल गेन भी तो करना है भाई। सिर्फ प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन में उस समय भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हो तो वो अनहेल्दी तरीका होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन आपका बॉडी फिर डाइजेस्ट करते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट को अगर कट कर दूंगा तो अगर भाई 2000 कैलोरी तो चाहिए कम से कम, अब 2000 कैलोरी चाहिए तो कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? 400-500 ग्राम प्रोटीन, 500 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर दीजिए। और अपने को जब बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर अपने को मसल के लिए अपने को करना है तो हमारी बॉडी को अपनी कंडीशन से ही रखना है। गर्मी ज्यादा है तो हमको अपनी बॉडी को गर्मी में नहीं रखना, बॉडी बिल्डिंग की लाइफ है ना भाई, आपको थोड़ा ठंडा ही रखना है, क्योंकि अपना काम क्या है फिर बॉडी बॉडी के लिए ही अपने को करना है ना काम, तो आपको सही रखना पड़ेगा उसके कंडीशन को। अगर गर्मी है तो अपने को उसको ठंडा रखना पड़ेगा, अपन नॉर्मल डाइट तो नहीं है फिर, इतना हाई प्रोटीन डाइट तो थोड़ा रहते थे नॉर्मल। और अभी वर्कआउट कंपाउंड में कराना चाहिए उनको, कंपाउंड दोनों को, ये लेंथ भी तो हो रहा है ये दोनों को, कंपाउंड मूवमेंट में ये हो जाता है कि आपका मैक्सिमम मसल ट्रेन होने लग जाता है एक ही बार में, और आपका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। क्योंकि छोटा मसल के लिए छोटा वेट का ही ट्रेनिंग होगा, मान लो बाइसेप करना है तो बाइसेप में 100 किलो का तो वर्कआउट नहीं होगा, 5-7 किलो ही होगा, तो आपका स्ट्रेंथ ओवरऑल बॉडी में कैसे डेवलप हो? जब आप अपनी ही बॉडी का वेट एक एक मसल पे, जैसे आप जब पुशअप करते हो तो पुशअप में क्या हो रहा है कि आपके हाथ पे पूरे के पूरे बॉडी का वेट है, मतलब आप कितने के जी के हो? 70 किलो का वेट ले रहा है आपका, और आप अगर बाइसेप कर्ल मारो तो 70 किलो मार सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड मूवमेंट वाले वर्कआउट से आपका स्ट्रेंथ डेवलप होता है, और जैसे ही आप फिर आइसोलेशन वर्कआउट को मसल को जाते हो, जैसे बाइसेप्स है या फिर ट्राइसेप्स है या फिर सिंगल मसल ग्रुप है, तो आपका वेट आप ज़्यादा अच्छा ले पाए, तो कंपाउंड वर्कआउट ज़्यादा बेहतर है। तो भैया जैसे डेड लिफ्ट, भैया जैसे बाइसेप्स का मार रहे तो अपने को जैसे कंपाउंड है फर्स्ट ट्राइसेप्स का चेस्ट कितना दिखता है वर्कआउट करने के लिए? 4 4 इसका 4 इसका। जैसे बड़ा मसल जो है आपका टेस्ट का जो मसल है उसके लिए आप ले लो 5-5 एक्सरसाइज, ठीक है। उसके आप डिपेंड करेंगे, जैसे इनका और इनका बॉडी टाइप अलग है तो इनके लिए 3 आप सेट कर सकते हो, इनके लिए 4 कर सकते हो, क्योंकि इनका फैट परसेंटेज इनके फैट परसेंटेज में अंतर है। तो वो हर आदमी के लिए हर वर्कआउट प्लान भी थोड़ा थोड़ा अलग बनेगा, एकदम फिक्स नहीं बनेगा, मैं जितना मार रहा हूँ उतना हमको नहीं मार बॉडी बिल्डिंग का एक्सरसाइज सेम कर सकते हैं, मैथ अलग अलग रहता है, थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। मैथ फिजिक्स में आपको रिक्त मसल चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज एकदम जरूरी नहीं है, लीड नहीं चाहिए, लाइन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसमें आपका मीडियम वेट का मसल वेट का वर्कआउट रेपिटेशन हाइट, और डिपेंड करेगा फिर उस समय कि आप अभी गेनिंग कर रहे हो कि शेडिंग कर रहे हो, भाई मैन फिजिक में भी आप पहले गेन करोगे हो सकता है, या हो सकता है कि किसी की बॉडी में फैट जाता है तो हम उनको डायरेक्ट शेड करा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर। सप्लीमेंट जरूरी है बॉडी, हाँ मतलब जो फॉलो कर सकता है सब चीज़,
भैया अगर आप 100% अपनी डाइट से ही वो न्यूट्रिएंट निकाल ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैक्सिमम लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो उनके पास ना प्रॉपर डाइट है और ना उनके पास उतना समय है। भाई आपको सप्लीमेंट पे जाना पड़ता है कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए वही चाहिए, बट मान लो केशव बहुत अच्छा नेचुरल में ही वो पूरी प्रॉपर चीज़ों को फॉलो कर ले रहा है, बट आप सेल नहीं कर पा रहे या आपके पास समय नहीं, तो आपको और रिजल्ट चाहिए वही वाला। दोनों में से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, आप पूरा नेचुरल और टाइम टू टाइम उस चीज़ को फॉलो करो कि एक फूड में अगर सुबह खाता हूँ तो आपको टाइमिंग पता होना चाहिए कि ये 2 घंटे बाद डाइजेस्ट होगा और मेरी बॉडी में इस फॉर्म में आने वाला है और उस समय मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मुझे उसके बाद प्रोटीन चाहिए कि मुझे उस वो जो खाया हूँ मैं वो चीज़ जो डाइजेस्ट होने के बाद मिलने वाली वो मेरी मसल को चाहिए। तो ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। भाई मैं अगर कार्बोहाइड्रेट खा लूँगा अभी पहले और मेरी बॉडी को वर्कआउट के बाद प्रोटीन चाहिए तो 2 घंटे में कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होकर मुझे मिलने वाला क्या एनर्जी और मसल टूटने के बाद मुझे क्या चाहिए था प्रोटीन, तो कैलकुलेशन बिगड़ गया। भाई मैं खा के गया हूँ कार्बोहाइड्रेट, मिलेगा एनर्जी, चाहिए प्रोटीन और बनाना है मसल, ऐसे कैसे होगा भैया? आपको कोई चीज़ खानी पड़ेगी जिसको हमें जो चीज़ की जरूरत है।